छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा ने चौंकाया। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। महुआ मोइत्रा की सांसद दी गई। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे खास खबरों की एक अलग अंदाज में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काफी जद्दोजहद के बाद भाजपा ने अंततः मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुन ही लिया। हालांकि दोनों ही राज्यों में पार्टी ने तमाम अटकलों और अनुमानों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री पद के नाम को लेकर राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया। दोनों ही राज्यों में भगवा पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है। पार्टी ने दोनों ही राज्यों में चेहरा चुनते समय जातिगत समीकरण का विशेष तौर पर ध्यान रखा। मध्य प्रदेश में पार्टी ने उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की है। वहीं जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल को डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा की। केंद्र से प्रदेश की राजनीति में आए नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाने की घोषणा की गई। इस चयन में पार्टी ने मध्य प्रदेश में जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की है। मोहन यादव जहां ओबीसी समुदाय से आते हैं, वहीं जगदीश देवड़ा दलित तबके से आते हैं। राजेंद्र शुक्ला के जरिए पार्टी ने ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की है। वहीं तोमर के माध्यम से राजपूत मतदाताओं को साधने का प्रयास किया गया है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में पार्टी ने विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया है, जो कि आदिवासी समुदाय से आते हैं। इसके साथ ही अरुण साव और विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया गया है। साव ओबीसी समुदाय से आते हैं, जबकि विजय शर्मा की ताजपोश कर ब्राह्मण वोटरों को साधने का प्रयास किया गया है। राजपूत वोटरों को साधने के लिए रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। दोनों ही राज्यों में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही चेहरे तय किए गए हैं। राजस्थान में भी पार्टी इसी फॉर्मूले पर काम कर सकती है। वहां भी दो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। हालांकि यह वक्त ही बताएगा कि भाजपा को लोकसभा चुनाव में इसका कितना फायदा मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के लिए चुनाव अगले साल 30 सितंबर तक कराए जाएंगे। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा भी शीघ्र अतिशीघ्र बहाल किया जाए। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पास भारत में विलय के बाद आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को चुनौती देना वैध नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि यह फैसला ऐतिहासिक है, आशा की किरण है और उज्जवल भविष्य का वादा है। हालांकि कश्मीरी नेता उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने फैसले पर निराशा व्यक्त की है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा चुनाव के लिए 30 सितंबर तक की डेडलाइन निर्धारित की है, ऐसे में केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी करा सकती है, या फिर जून 2024 में ओडिशा, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के साथ यह चुनाव कराया जा सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने कहा कि फैसले का स्वागत करता हूं, मेरी प्रधानमंत्री मोदी से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हमें राज्य का दर्जा दे। जरूरी नहीं है कि पहले चुनाव हो या फिर राज्य का दर्जा मिले। चुनाव हो तो राज्य के लिए हो, केंद्र शासित प्रदेश के लिए क्यों हो। चुनाव सितंबर तक कराने की बात कही गई है, ये अच्छी बात है। पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता आचार समिति की रिपोर्ट आने के बाद समाप्त कर दी गई। उन पर पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने महुआ के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदस्यता रद्द होने के बाद महुआ भड़क गई। उन्होंने कहा कि कमेटी ने गहन जांच नहीं की, मैंने अडानी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि यह भाजपा के अंत की शुरुआत है, हम भाजपा का अंत देखेंगे, मैं अगले 30 साल तक लड़ूंगी। कमेटी को निष्कासन का अधिकार ही नहीं है। महुआ ने लोकसभा से अपने निष्कासन की तुलना कंगारू अदालत यानी कि अवैध अदालत द्वारा सजा दिए जाने से करते हुए आरोप लगाया कि सरकार लोकसभा की आचार समिति को विपक्ष को झुकने के लिए मजबूर करने का हथियार बना रही है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महुआ का समर्थन करते हुए कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने फैसला लेने में जल्दबाजी की, यह संसदीय लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। जिस तरह से महुआ मोइत्रा को निष्कासित किया गया, उसकी हम
निंदा करते हैं, पार्टी उनके साथ खड़ी है। भाजपा लोकतंत्र खत्म कर रही है, वहीं भाजपा ने फैसले को उचित ठहराते हुए कहा कि महुआ मामले से भारत के सांसदों की छवि दुनिया में धूमिल हुई है। हालांकि चुनाव को 6 माह से भी कम समय बचा है, लेकिन महुआ के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प भी खुला है, जहां वे स्पीकर के फैसले को चुनौती दे सकती है। इसके साथ ही वे अगला लोकसभा चुनाव लड़कर एक बार फिर लोकसभा पहुंच सकती है। यदि वे सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो उनके पक्ष में फैसला आता है तो तृणमूल कांग्रेस इस मामले को लोकसभा चुनाव में मुद्दा बना सकती है, इसका उसे फायदा भी मिल सकता है। अब खबरें संक्षेप में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या, दोनों शूटर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी चंडीगढ़ से गिरफ्तार। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हत्या के विरोध में राजस्थान समेत देश के अन्य हिस्सों में भी धरना प्रदर्शन किया। 76% रेटिंग के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 8वें स्थान पर रहे। मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस 66% रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर रहे। शेयर बाजार 11 अक्टूबर को पहली बार 70,000 के पार, निफ्टी भी पहली बार 21,000 के पार हुआ। आतिशी को मिला कानून मंत्रालय, केजरीवाल सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री के पास अब 14 विभाग। तमिलनाडु में तूफान से तबाही, 2 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित। आंध्र प्रदेश में हजारों एकड़ में खड़ी फसल बर्बाद। यदि वेब दुनिया की खास पेशकश WD Now, अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।